सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? पता नहीं किसका लाइन है। जी हाँ, बड़ी वाली कल्लू परी का। तो सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ, यहाँ पे कमेंट ऑफ द डे लगा दे रही हूँ। और जिन जिन लोगों को अपने पेज का या फिर अपने कोई बिजनेस का प्रमोशन करवाना हो, सो या फिर चैनल का भी प्रमोशन करवाना हो, जिन हाउसवाइफ को, मेरी तरह हाउसवाइफ जो भी है, जिनको ज़रूरत है थोड़ी सी मदद की, थोड़ी सी पुश की, तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए या फिर कांटेक्ट करके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का जो पेज है वो मेरे पहले चैनल, जो पहला फर्स्ट अकाउंट रिएक्शन चैनल इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स के नाम से है, तो वहाँ पर भी आप अपने पेज के डिटेल्स दे सकते हो, या फिर चाहे इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से। ऑफकोर्स पाकिस्तान के लोग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी बहन बाकायदा महामीर वहाँ से है। सो जहाँ से भी हो, आप लोग मुझे जो है फ्री प्रमोशन के लिए, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए भाई, बस आप लोगों का दुआएं चाहिए। अगर मैं आज इतनी कैपेबल हूँ कि मैं किसी को थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि कल एक जन ने मुझे बोला था, कल के परसों की बात है, कि आप प्लीज़ मेरा कमेंट पिन कर दें, इन लोगों ने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया। तो एज ए क्रिएटर, भले ही मैं स्मॉल क्रिएटर हूँ और मैं हमेशा ऐसे खुद को छोटा मानती रहूँ, यही मैं चाहती हूँ, तकब्बुर मुझे नहीं चाहिए। सो अगर मेरी थोड़ी सी मदद करने से अगर किसी की भला हो, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। मुझे कोई इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो जिन जिन लोगों को जो भी प्रमोशन करवाना हो, वो मुझे या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेरे दोनों यूट्यूब चैनल के ही में भी कमेंट कर दो, चाहे इब्राहिम फैमिली ब्लॉग्स पे कर दो या फिर इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग का जो है फ्री का जो है मैं कर दूँगी प्रमोशन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते कल्लू परी के बात में, जो कल्लू परी को इतनी मिर्ची लगी, ऑफकोर्स बहुत मिर्ची लगी उसको। मिर्ची लगने के बाद ही जो है उसमें परसों इतनी भौंकी, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो इस चैनल पे, तो अभी थोड़ा मैंने उसका ऐसा कुछ डाला नहीं था, लेकिन मैंने दूसरे चैनल पे डाला, तो आप लोगों का जो प्यार भरे कमेंट्स है और जो आपका सपोर्ट है, तो उसको देखते हुए उसको बहुत मिर्ची लगी। मिर्ची के चलते उसने मुँह से हग दिया, मुँह से इतने गंदे तरीके से हगा कि उसके जो सब्सक्राइबर थे बकायदा, उसने तो छोटे बच्चों को लेके, किसी के गरीबी का मजाक, किसी कंट्री को बुरा भला बोला। ऑफ कोर्स अब जो अनपढ़ लोग हैं उनसे, अब और बोलते हैं ना इलिटरेट लोग हैं, उनके जो अपब्रिंगिंग वही एकदम नाली वाला है, तो उससे आप क्या ही जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो ये भूल गई कि भाई झगड़ा हम लोगों के साथ उसका है, झगड़ा भी कुछ नहीं है। देखो हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, और रिएक्शन जो होता है ना, ये यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है रिएक्शन चैनल खोलने का, या फिर अगर ये सच कोई क्राइम होता है या फिर गलत होता है, तो यूट्यूब वाले ये क्राइटेरिया रखते ही नहीं। तो हमारा काम है रिएक्शन देना, और हम वही बोलते हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में लोग बोलते हैं, फिर उनके कमेंट बॉक्स में बोलते हैं लोग। जैसे कि मान लो चीनी, मतलब कि छोटी कल्लू परी का वो इद्दत को लेके है। अब जाहिर सी बात है, अगर बड़ी बहन ने पति को हिंदू से मुसलमान बना के शादी किया है मुस्लिम तरीके से, छोटी बहन ने मुस्लिम तरीके से शादी किया है एंड तलाक भी मुस्लिम तरीके से लिया है, तो तलाक के बाद इद्दत तो लाजी बात है, 3 महीना 10 दिन का आई गेस इद्दत होता है, उतना तो वो कर ही सकती है, बट उसमें ये चीज़ नहीं की। और ये सिर्फ हम रिएक्शन चैनल वाले नहीं, उनके जो सपोर्टर्स है या फिर उनके सब्सक्राइबर कर लो, वही लोग जो है वो बोल रहे, तो हम ऐसा सच कुछ जो अलग या गलत नहीं बोल रहे हैं, अपने तरफ से बना के जो उनके व्यूअर्स को लग रहा है, उनके सपोर्टर्स को लग रहा है, उनके सब्सक्राइबर को लग रहा है, वो चीज़ हमको भी लग रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि हम भी उनके व्लॉग देखते हैं, जो हमको गलत लगेगा तो हम बोलेंगे। मुझे भी शुरू शुरू में जब यूट्यूब में मैं आई थी, मैं दुपट्टा वगैरह नहीं लेती थी सन में, तो मेरी एक बहन है सबानाज, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आयशा सर में दुपट्टा लिया कर, कभी कभी मैं नहीं भी लेती हूँ, गड़बड़ी में रहती हूँ, तो कि हमारे औरतों के सर के ऊपर जो है ना वो मंडराते हैं, शैतान मंडराते हैं। तो बहुत सारे अभी अभी की बात है, किसी ने कमेंट किया कि मैं कुल्ला करके पानी निकल लेती हूँ, वो बहुत गंदा लगता है। तो देखो हम इंसान हैं, अच्छाई बुराई दोनों से ही मिलके हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी जो होता है ना, अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है, हम गलती भी करते, क्योंकि हम इंसान हैं भाई। अगर कोई हमारे गलती पर हमको रोक रहा है, हमको टोक रहा है, या फिर हमारी कोई गलती वो पकड़ा रहा है, तो उसको हमको ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। ज़रूर जिस इंसान ने, अभी की बात है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उनको रिप्लाई दिखाई,
ज़रूर मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी बुरी होगी जो उनको बुरी लगी होगी, उनकी बात सुन के अगर मैं वो चीज़ सुधार लूँ तो मेरे लिए अच्छा है, उनके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा है। ज़रूर वो मुझे कुछ ना कुछ मानती होगी या फिर मेरे लिए उनके दिल में थोड़ा बहुत कंसर्न होगा, तभी तो उन्होंने बोला होगा, नहीं तो वो नहीं बोलती ना। तो इसमें इतना ऑफेंसिव होने की बात नहीं। अब अगर सब लोग तुमको बोल रहे इज्जत करो इज्जत करो इज्जत करो तो उसको बुरा मानने वाले कोई बात नहीं। हम जाहिर सी बात है मुसलमान है भाई, जैसे हमारा बच्चा होने के बाद अब मुझे सब लोग बोल रहे थे खतना कर ले खतना कर ले खतना कर ले मेरा बेटा होने के बाद, ठीक है। महामीर तो कब से बोली मुसलमान ही कर ले, मुस्तफ़ा और मुझे मुजाहिद का मैंने कब का करवा लिया। अब मैं बोल रही थी मालेगांव की जो मेरे खलील साज वगैरह है वहाँ पे उनके बेटों के सारों के पैदा होते दो दिन पहले बाद ही उनका खतना हो गया, लेकिन मेरे इब्राहिम का अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मुझे डर लगता है मुझे खून या फिर मेरे बच्चों को वो काट। मैं उस दिन खून दे रही थी मेरे बच्चों को, मैं खून देने से पहले की बात है, खून तो अब तक लेके दो तीन बार हो चुका है। खून जब डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, मैं इतनी रोई कि आप यकीन नहीं मानोगे मैं कितना रोई। तो बात ये है कि बहुत लोग बोले खतना कर ले बीमारी कम हो जाएगा, कुछ कुछ लोगों ने बोला इब्राहिम नाम है इसीलिए बीमारी है, नाम चेंज कर दो। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, लोग मुझे गाइड कर रहे हैं, जो सही रास्ता है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। खतना अगर करने को बोले उसमें बुरा क्या, उसमें महंगाना क्या है, सही बात ही बोल रहे हैं ना। बहुत सारे लोग मेरे डेली व्लॉग, अब तुम लोग सोशल मीडिया में हो, अगर तुम लोग को हमारी बातों से इतनी ही मिर्ची लगती है इतना ही प्रॉब्लम होता है तो बंद कर दो अपना चैनल, अपना लाइफ जो है दिखाओ मत। अगर तुम अपनी लाइफ को पब्लिक कर रही हो दैट मीन्स तुम पब्लिक को दावत दे रही हो कि मेरे लाइफ में आके टिप्पणी करो, मेरे लाइफ के बारे में बोलो, ठीक है। तो तुम अगर अपनी लाइफ को पब्लिक कर रही हो अपने लाइफ के सब कुछ अगर तुम दिखा रहे हो, तो अब देखो सब इब्राहिम दीपिका के बारे में शोएब के बारे में भी हर कोई बोलते हैं क्योंकि उनका लाइफ पब्लिक है, वो पब्लिक फिगर है। शाहरुख खान सलमान खान के बारे में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि वो पूजा करते मुसलमानों के, जो कि गलत है। तो हर किसी को अपना अपना राय रखने का जो है ना पूरा हक है, पब्लिक फिगर बोलते किसको, तो डजंट मीन कि तुमको बुरा लगना चाहिए। और ठीक है अगर तुमको अपने बारे में सुन के बुरा लग रहा है, अगर तुम दिखाने की ताकत रखती हो तो अपने बारे में जब गलत तुमको अगर कोई गलत बोल रहा है तुम्हारी कोई गलती दिख रही है तो उसको सुनने का भी ताकत रखो। अगर नहीं रख सकते हो तो चंद पैसों के लिए जो तमाशा सोशल मीडिया में कर रहे हो ये मत करो, बंद कर दो। और तू मुझे बोलती है कि मैं भिखारी हूँ कि मुझे तेरे नाम की कमाई की जरूरत है, तो तेरे को मैं एक चीज खुला खुला बोल दूँ कि मेरे को जितना भी मिल रहा है ना आज की डेट पे वो मेरे रिजर्व में मेरे रब ने जितना लिख के दिया है ना उतना ही मुझे मिल रहा है, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे तेरे नाम के खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी है। हाँ तुमने उंगली की है, अगर तूने मेरे बीमार बच्चे के बारे में बोला है, अब एक माँ तो बोलेगी ज़रूर। और सोचो ये कितने लो स्टूप में जा सकते, कितने नीच इंसान हो सकते, जिस औरत ने मेरे बीमार बच्चे को तक ना छोड़ा उसकी बीमारी का मजाक बनाया, जिस औरत ने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया कि मैं भीख मांगती हूँ, जिस औरत ने महामीर की बेटी का मजाक उड़ाया, हालांकि महामीर की बेटी पैदाइशी बीमार है और वो लोग बहुत जगह अभी उसका फाइल जो है सौदे भी भेजेंगे दिखाने के लिए, वो बहुत जगह दुआ वगैरह सदका ज़कात खैरात वो हर चीज़ कर रही है, हर चीज़ उसकी बेटी के लिए, ठीक है। तो और महामीर के यूट्यूब की कमाई की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके पति का, अब अगर महामीर के पुराने अगर वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा महामीर के पति का खुद का रेस्टोरेंट है, खुद का बावर्ची खाना है उनका, मतलब जैसे होटल तो है ही उनका, और शादी ब्याह में खाना वगैरह जो भी है बनाना वो उसके पति का। तो उसको यूट्यूब में जो है ना ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है महा, बहुत ज़्यादा उसके हफ्ते मुत्ते पाते महा बीमारी रहती है। आप लोगों को पता नहीं, पर्सनली हम बात करते हैं ना मुझे पता है महा को, महा बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उसकी बेटी भी बीमार है। तो इन सब चीज़ों से ना हटने के लिए भाईजान ने बोला ठीक है तू कर ले, क्योंकि वो ऐसे पड़ी पड़ी रहेगी ना तो और बीमार हो जाएगी, मतलब अदरवाइज़ महा को कमाई की ज़रूरत नहीं, उसके दो दो घर है और जो एक फ्लैट है, फ्लैट नहीं घर है, उसको उसने भाड़े पे भी नहीं चढ़ाया, इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि वो घर उन लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया है तो वो घर ख़राब हो जाएगा, भारी के लोग मतलब जैसे जैसे इस्तेमाल करते, उसको तो यूट्यूब की कमाई की ज़रूरत नहीं है। तो उसने वहाँ के बेटे को भी लेके बोला तुझे बोलना है, अगर तुझे मिर्ची लगी है, नो डाउट तुझे मिर्ची लगी, तभी इतना थर थर मियाँ बीवी दोनों कर रहे थे, तो बोलो ना हमको, बोलो हम बैठे हैं, तो मुझे भी बोलती ना तो मैं अपने दिल को तसल्ली देती थी। ये मैंने उसके बारे में, मतलब उसके बारे में उसके पति को बोला, उसके फैमिली में मैंने इंटरफेयर किया, हालांकि इंटरफेयर तो नहीं है, पब्लिक फिगर है वो लोग, जो लोग कमेंट में आके हमसे पूछते या फिर उनको पूछते वही चीज़ हम पूछ रहे,
तो उसमें बुरा क्या है। ठीक है, फिर भी तुमने मुझे बोला तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि टिट फॉर टैट मैंने उसको बोला, उस मेरे को बोला, ख़त्म कहानी। लेकिन वो एक बीमार बच्चे को मजाक बना रही है। भाई तेरे बच्चे भी बीमार पड़ते, तेरे घर में भी दो दो दूध के मुँह के बच्चे हैं, कल को अगर वो बीमार पड़ेंगे तो दैट मीन्स तुम लोगों ने कुछ गुनाह किया इसलिए बीमार पड़े। तेरा पति, मुझे नहीं पता, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख ले कि 4 साल पहले मरते मरते बच्चा है तेरा पति। अल्लाह करे उसकी उम्र लंबी हो, किसी के पति को भी कुछ ना हो, भाई पति हमारे सहारे होते हैं। एनीवेज, तो तब तू बहुत रो रही थी, तो इसका मतलब तुम्हारी गुनाहों की सज़ा या तुम्हारे शौहर की गुनाहों की सज़ा ही तुमको तुम लोग को मिली होगी। उसकी माँ की हाय बद्दुआ लगी होगी कि तूने एक माँ से उसका बेटा जो छीना। प्लस तुम्हें भी तो यूट्यूब में आके पहले पहले भीख ही मांगती थी, व्यूज़ दे दो, देखो हमारे चैनल को, ये करो। मैं नहीं बोल रही, मैं दूसरे चैनल पर जो है ना कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, तुझे मिल जाएगा। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ देखो, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए भीख मांगती थी, तो वो भी भीख मांगना ही हुआ। लेकिन तकब्बुर तो ऐसे कर रही है जैसे कि बिलियनेयर बोलते ना, मुकेश अंबानी तो बन गई है कि नहीं है। एक चीज़ क्या पता है, जो लोग आज तुझे थूक रहे हैं ना, तेरी इसी ज़बान से जो है ना, बोलते ना इसी ज़बान से हमको जो है ना इज्जत मिलती है, इसी ज़बान से ना जूता भी मिलता है। तो तूने कुछ कुछ शब्द ऐसे कहे ना, ऐसे पाकिस्तान के बारे में बुरा बोला। देख, पाकिस्तान के हर इंसान जो होते हैं ना वो एक नहीं होता। एक पाकिस्तान की एक लेडी है जिसके साथ एक टाइम पे मेरी भी बहुत क्लैशेस हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में मेरी और एक दोस्त है जो दोस्त कम बहन ज़्यादा है। मतलब उसको अगर मैं बोलूँ ना कि तू आज पूरा दिन वीडियो नहीं बनाएगी, तो वो वीडियो नहीं बनाएगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने उसको मना कर देना कि तू इतने दिन वीडियो नहीं बनाएगी, वो बनाएगी नहीं। हाँ, मेरी की बात कर रही हूँ मैं, आप ट्राई करके देख लो, आप मेरी बुराई उसके सामने कर लो, फिर देखो। आप सिर्फ चुपचाप से उसके सामने जाके ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोलना आपकी दोस्त ऐसी, आपकी दोस्त वैसी, फिर देखोगे। तो हर जगह के बोलते ना, हर रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम जैसे लोग जो मुसलमान का नाम ख़राब करते हो, हिजाब का नाम ख़राब करते हो। तुम तेरा पति तो ठीक का मुसलमान भी नहीं, अगर मुसलमान है तो उसको बोल कलमा पढ़ के सुना दे। एनीवेज, ये मैं नहीं बोल रही, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। मेरे इस वीडियो को कृपया दिल पे ना ले, कहीं और पे ले, क्योंकि मेरी ये वीडियो आपकी वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन है, बिकॉज मेरा एक रिएक्शन चैनल है। एनीवेज, क्या बोल रही थी मैं भी जो है ना टॉपिक से भटक गई। एनीवेज, हाँ, एनीवेज बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो लोग बोलते हैं हमको, हम वही बोलते हैं। फिर उसके मामू का घर नासेगांव में कहाँ पे, उसके हर चीज़ जो है ना, उसका पति जो है ना, हाँ मुसलमान भी नहीं, क्योंकि लोग ही उसके एरिए के लोग कमेंट करके बोल रहे वो दारू पीता है, क्या शोरवड़ी या कहाँ कौन सा वाइन शॉप। मैंने अपने जो है ना इब्राहिम फिर फैमिली ब्लॉग्स वाले वीडियो पे लगाया, मैंने वो स्क्रीनशॉट, वाइन शॉप से वो दारू लेता है, सूखा नशा करता है। उसमें वो बहुत प्राउडली बोलता है, मेरा पति दारू पीता है, नशा करता है, किसी का क्या खून तो नहीं पीता। भाई मुसलमान में कहाँ से ये जायज़ होगा? दो पैसे आ गए तो तुम लोगों ने तो पूरा जो है ना इस्लाम का जो है ना पूरा तौर तरीका ही चेंज कर लिया। मुझे बोलती दीन वाली बनती, ऐसा बनती, एटलीस्ट दीन वाली बनती, एटलीस्ट भीख मांग रही हूँ, जिसम बेच के नहीं कमा रही हूँ, और ना ही चोरी कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अपने जो YouTube की फैमिली वाले हैं उनसे जो है ना मैं मदद मांग रही हूँ, अपने घर वालों से मदद मांगने में शर्म की बात नहीं। तुम लोग भी तो खाते हो मिठाई भिक्की, हाँ लोग तुम लोग को सामान देते हो, लोग मुझे थोड़ा फाइनेंशियल मदद करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरा बेटा बीमार है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तुम लोग तो बिना बीमारी के, और बोलते ना तुम लोग के पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है अभी फ़िलहाल। एक टाइम पर तुमने खुद अपने मुँह से बोला था कि तुम लोग बहुत गरीब थे, कितने तुम लोगों ने ये किया, वो किया, सेक्रीफाइसेस किए, है ना? वो दिन भूल गई ना, नाशुकरानी है। तो तुम लोग तो पैसा रख के भी लोगों की भीख खाते हो, और मुझे तो अपने बेटे की बीमारी के लिए ज़रूरत है, एक इंसान को, एक बच्चे को बचाने के लिए। सो अगर मैं भिखारी हूँ तो मैं हूँ भिखारी, लेकिन देने वाला तू और तेरा बाप नहीं, ऊपर वाला बैठा है, वही मुझे देता है किसी ना किसी को जरिया बना के। वो तुम जैसे लोगों से काम नहीं लेता, ऐसे काम लेने के लिए ना अल्लाह ने कुछ कुछ लोगों को चुन के रखा है। अजान हो रही है, मैं ये बोल रही थी। और अभी मैं तो 5 दिन पहले ही आई रिएक्शन में, माहा तो स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि उसकी बहन का तलाक हो गया, जो कि वो लोग नहीं बोल रही थे अपने सब्सक्राइबर को। अगर तुम अपने सब्सक्राइबर को फैमिली मानते हो तो एक अनाउंसमेंट करके रख दो, ख़त्म बात, या फिर बोल दो कि
जो आप लोग सोच रहे हो सही सोच रहे हो, बट अभी इस चीज़ के बारे में हमको बात नहीं करना है। जिस सब्सक्राइबर ने और व्यूअर ने तुम लोगों को ऊपर उठाया, ये चकाचौंध दिखाई, जिस पैसों के ऊपर तुम आज इतना तकब्बुर कर रही हो, किसी को भिखारी बोल रहे हो, उसी सब्सक्राइबर को अगर तुम अंधेरे में रख रहे हो। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दूसरों का पोल खोलने के लिए अब अपना ही पोल खोल रहे हो, तो भाई पोल खोलने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं किसी का ऐप बाहर ला रही हूँ तो साथ ही साथ मेरे अंदर जो ऐप है वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्ट रहो तो हर तरफ से रहो भाई, मेरी लाइफ में जो भी हुआ चीज़ वो चीज़ शेयर करना भी लाजमी बनता है कि नहीं है। अगर मैं जेन्युइन हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों का कंसर्न अगर मेरे लिए जेन्युइन है, तो मैं वो बॉन्ड जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, मैं पहले व्लॉग करती, अभी कुछ दिन के लिए जब मेरा बेटा बीमार हुआ था व्लॉग करने का मौका नहीं मिलता था, दो पैसे कमाने होते थे क्योंकि ट्रीटमेंट के मेरे बेटे को तो लोग उतना देंगे नहीं, मेरे को ही सब कुछ करना है, तो मैं वीडियो डालती थी तो रिएक्शन देके छोड़ देती थी। तो जब मैं व्लॉग बनाती तो लोगों को हमारी शादी, हमारा रिश्ता, जो भी चीज़ें, सब कुछ जानने का जो है ना बहुत क्यूरियस होते, तो बताना बहुत लाजमी सी बात है कि नहीं है। और तू बोल रही है कि मैंने अपना मुँह काला किया, देख मैंने तो अभी तेरे कॉपी करने के लिए ही अपना मुंह काला किया, तेरा मुंह तो पैदा ही काला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रेसिज्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह का बनाया हुआ मखलूक है, ये है वो है, तो मेरा बच्चा क्या अल्लाह का बनाया हुआ मखलूक नहीं है? मेरा बच्चा तो मासूम है ना, महामीर का बच्चा तो मासूम है ना, शुरू तो उसने किया था ना। हमारे बच्चों को जो बोला कि तुम लोग ये करते हो करके तुम लोगों के बच्चों में आया, हंस रही, मजाक उड़ा रही, बद्दुआएं दे रही, मेरे को भिखारी बोली, क्या मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक नहीं हूँ? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो ज्ञान देने आते हो ना, सलाम दुआ करके मत आओ क्योंकि तुम लोग ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी अगर कल उसने बोल दिया कि भाई मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा ऐसा वैसा, तो ये समझ लोगे तुम लोग के हम जो है तेरा पीछा छोड़ देंगे, कतई ही नहीं। तुम माफ़ी मांग, तूने जो हमारे बच्चों के लिए बोला तो हमको बोल, मैं यहाँ पे बैठी हूँ सुनने के लिए, मैं आयशा इदरीस अली यहाँ पे बैठी हूँ सुनने के लिए, मैं सुनूंगी, टिट फॉर टैट करूँगी, लेकिन हमारे बच्चों तक नहीं आना। हमारे क्या, मैं हम तो तुम्हारे बच्चों तक भी नहीं आते। अब तो बोलेगी कि हम किसी के बच्चे नहीं, तुम लोग तो बुढ़े घोड़े डंगड़े हो गए हो, वो बच्चे हो जो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी पब्लिक कर रहे हो। तो अगर प्राइवेट ज़िंदगी पब्लिक कर रहे हो तो पब्लिक का ओपिनियन सुनने का भी जो है ना ताकत रखनी चाहिए तुम लोगों में। क्राई बेबी बनने से कुछ नहीं होता है, तुम लोग अपनी लाइफ पब्लिक रखो कि पब्लिक के सामने तमाशा करोगे और क्राई बेबी बनोगे तो लगता है सिंपैथी मिल जाएगा। नेवर। पहले माफ़ी मांग कि हाँ भाई मुझे उनके बच्चों को खींचना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, तो फिर जाके जो है हम तेरा पीछा छोड़ेंगे, नहीं तो तू साइबर सेल में जाएगी, जाना कितने दिन रुकेंगे, उम्र भर की कैद का सज़ा देंगे, क्या चैनल कितने सस्पेंड कराएगी, चैनल फिर से बना लेंगे, फेस वैल्यू तो अपना भी है मार्केट में, 1000 लोग तो देखते हैं हमको दिन में, बना लेंगे। और दूसरी बात रहा केस का, ये का वो का, तू अभी आई है मेरे लाइफ में, तूने अगर अपनी मेरी जो है ना हिस्ट्री खोली है, तूने जैसे कि बोला कल के ब्लॉग में, तो तुझे तो पता ही होगा कि मैंने इससे पहले कितने लोगों से पंगा लिया है। और तूने जो बोला है ना पाकिस्तान के लोगों के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, मेरे हैसियत के बारे में, वो भी गलत ही बोला है ना, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो क्राइम ही हुआ। खैर ये क्राइम है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, भाई तू मेरे ऊपर करेगी तो मैं भी तेरे को छोड़ दूंगी थोड़ी, मैं अगर भिखारी हूँ तो भीख मांग के भी करूँगी, करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। और मेरे भी चाहने वाले थोड़े बहुत होंगे जो यहाँ वहाँ होंगे, जो अपने पावर से या फिर अपने पैसों से मदद तो करेंगे, जो तुझे नहीं पता। एक बात मैं हमेशा जो है मैं मानती हूँ कि अपने ऑपोजिट वाले को कभी जो है ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो तुझे ये लग रहा है कि मैं लोगों से हेल्प मांग रही हूँ तो मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकती। एक टाइम ऐसा था कि समू नाम की एक यूट्यूबर थी जो सारा सत्तानी को रोस्ट करती थी, उसने सना भाभी के बेटी के बारे में बोला, तो पहले आवाज़ तो मैंने उठाई थी खैर, लेकिन मैंने महामीन ने, हम कुछ यूट्यूबर हैं ना, उसको इतना नंगा कर दिया, स्पेशली मैंने उसकी बेटी के फ़ोटोज़। अब सोच ले कहाँ कहाँ से आते हैं उसकी बेटी की क्लबिंग के फ़ोटो, दारू की फ़ोटो, उसकी बेटी के साथ बैठ के दारू पीने, हर चीज़ उसके सेकंड हस्बैंड की माँ बाप के फ़ोटो तक मेरे पास, उसके बेटों के फ़ोटो भी है इवाद वगैरह के। एनीवेज तो उसको हमने इतना नंगा करा कि उसने अभी खैर वीडियो बनाना बंद कर दिया। और ये तो मेरे बच्चे की बात है, मैं अगर दूसरे की बेटी के लिए, मैं उस टाइम पे भी यही बोल रही थी तुझे बोलना है सना भाभी को, इमरान भाई को बोल, बट बच्चों को मत बोल, बेटी को मत बोल, वो बेटी आए किसी के घर जाएंगी कल को।
तो तू तो मेरे बच्चे के बारे में बोल रही, तुझे कैसे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? और अगर मैंने कल को किसी की बेटी के सपोर्ट में बोला है तो जब बात मेरे ऊपर आएगी ना तो मेरे सपोर्ट में बोलने के लिए लोग खड़ा हो जाएंगे। टेंशन मत ले, तू कर अपना, फिर मैं अपना करूँगी। और रहा सवाल तेरी बहन का, तो वो खुद सोशल मीडिया में अपनी इज्जत गंवा रही है, तो हम तो बोलेंगे भाई। एनीवेज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिर्ची मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, हाँ लगी, एक माँ के दिल को ठेस पहुँचा है तो उसका बद्दुआ भी तुझे लगेगा। खैर मैं बद्दुआ किसी को देती नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि ईमान वाले अगर हाथ खड़ा कर दे तो अल्लाह भी उसको जो है ना खाली हाथ नहीं करते, क्योंकि मैं ईमान वाली हूँ। बट मैं तेरे बच्चों के ख़िलाफ़ कभी हाथ नहीं खड़ा करूँगी, तेरे क्या मैं किसी के बच्चों के ख़िलाफ़ भी कभी हाथ नहीं खड़ा करूँगी, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। हमको अपनी गलती का सज़ा मिलनी चाहिए, बच्चों को नहीं। लेकिन ध्यान देना कहीं ये बच्चे तेरा जो है ना सर ना झुका दे, तेरा तकब्बुर ख़त्म ना कर दे, बाकी तो ऊपर वाला बैठा ही है। मिर्ची तो तुझे लग रही है बहुत। एनी वेज अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके अपना क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिगार्डिंग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।